नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज का जो हम लोग का वीडियो है दोस्तों है जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के जो संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा विचार विमर्श करेंगे, चर्चा देखेंगे। ठीक है, अगर आप पिछला वीडियो देखे नहीं है दोस्तों तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, तो इसके बारे में जो खिलजी है ना, इसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो खिलजी जो है ये सर्वहारा वर्ग थे, सर्वहारा वर्ग मतलब पूरी तरह से ये तुर्क नहीं थे, ठीक है, मिस्री तुर्क अफगान थे, और इनका जो है निवास क्षेत्र वो खल्स क्षेत्र में निवास करते थे जो कि अफगानिस्तान में है, और ये क्या किए परंपराएं अपनाने के कारण जो है अफगान समझे गए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या होता है, खिलजी वंश का जो वंश चलता है वो कहाँ कब से कब चलता है, तो 1290 से लेकर 1320 तक चलता है दोस्तों। ठीक है, तो इनके जो संस्थापक कौन है, इनके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि कैकुबाद का सेनापति था। ठीक है, कैकुबाद के बाद जो है क्यूमर्स बनता है ना, और क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन जो है खिलजी वंश की स्थापना करते हैं, जिनका जो है टाइम पीरियड कितना है 1290 से 96 तक इसका चलता है। ठीक है, और इनकी जो उपाधि है दोस्तों वो शाइस्ता खां की उपाधि है। ठीक है, और इनके जो पूर्वज है ना, पूर्वज क्या करते थे, ये इल्तुतमिश के काल में जो है नौकरी करते थे। इनको देखिए दोस्तों, ये खिलजी जो है इनको ज़्यादा बड़े उपाधि नहीं दिए जाते थे। ठीक है, इसीलिए जो है ये दब के रह गए, उसके बाद जब इनको मौका मिलता है तो ये अपने आप को जो है आगे जो है शासक के रूप में उभारते हैं। तो इनका राज्यारोहण कब हुआ दोस्तों, किलोकरी महल में, ठीक है, जो दिल्ली के पास है, और ये राजधानी भी उसी को बनाए किलोकरी। और देखिए बर्नी ने इनके बारे में एक कथन कही है कि ये जो है एक चींटी को भी नुकसान न पहुंचाने की नीति पर विश्वास रखते थे, हालांकि ये है जो तलवार के बल पर ही जो है ये जो है शासक बना हुआ था। शासक बनने के बाद इनका थोड़ा हृदय परिवर्तन हो जाता है, और एक चींटी बोलते हैं बर्नी जो है एक चींटी को भी नुकसान न पहुँचाने की नीति में विश्वास रखते थे। ठीक है, और ये क्या किए अपने राज्य अभिषेक के एक वर्ष बाद जो है ये दिल्ली में प्रवेश किए, और अपने पुत्रों को ये खान खाना, ठीक है, अरकली खान एवं कद्र खान की उपाधि प्रदान की। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनकी जो प्रमुख घटनाएं हैं इनको देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये छज्जू मलिक। ठीक है, तो ये बलबन का भतीजा था। ठीक है, मलिक छज्जू का जो विद्रोह होता है ये बलबन का जो है क्या था, भतीजा था, और ये जो है क्या था, कड़ा जो है, कड़ा मानिकपुर इनका जो है ये सूबेदार था। अब जब वहाँ विद्रोह होता है तो क्या करते हैं जो जलालुद्दीन खिलजी, इसको जो है हरा देते हैं, हराने के बाद जो है ये बाद में छोड़ देते हैं, और वहाँ का जो सूबेदारी है, ठीक है, सूबेदारी किसको बना देते हैं, तो सूबेदार वहाँ का बना देते हैं अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहाँ का जो सूबेदारी बना देते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी कौन थे, तो ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। ठीक है, भतीजा एवं दामाद दोनों था, अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा एवं दामाद था। ठीक है, तो यहाँ का सूबेदारी कड़ा मानिकपुर का सूबेदारी किसको मिल गया दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। उसके बाद तुर्क अमीरों का षड्यंत्र, इनको पता चलता है दोस्तों कि तुर्क अमीर जो है वो उसके खिलाफ जो है षड्यंत्र कर रहे हैं, तो जलालुद्दीन ने क्या किया, जलालुद्दीन के वध करने की योजना का जब पता चला है, किंतु इनको बाद में छोड़ देता है तुर्क अमीर को, कुछ करता वर्तन कुछ नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद ये ठगों का जो है दमन करते हैं, है ना, दिल्ली में जो है जो ठग रहते हैं उसको पकड़कर बंगाल भेज देते हैं। और उसके बाद मंगोलों का जब आक्रमण होता है, देखिए मंगोलों का आक्रमण होता है सर्वप्रथम 1302 ईस्वी में होता है ना, तरंगी ने दिल्ली पर घेरा डाला, किंतु वो भी असफल, जो मंगोल रहता है वो भी असफल हो जाता है। उसके बाद अब्दुल्ला के नेतृत्व में भी जो है मंगोलों का आक्रमण होता है, लेकिन वो भी पराजित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि फकीर सिद्दी मौला की हत्या है ना, तो ये जो है इनको, इनके ऊपर आरोप रहता है कि ये जो है सुल्तान को मारने का जो साजिश रच रहे हैं, तो इस कारण जो है इनकी हत्या कर देते हैं हाथी से कुचलवा कर। ठीक है, अब इसके बाद है दोस्तों जलालुद्दीन के समय जो है जो अलाउद्दीन खिलजी का जो अभियान चलता है इसको देख लेते हैं। तो 1293 में क्या होता है, गुजरात अभियान करते हैं। ठीक है, नुसरत खान एवं उलुग खान के नेतृत्व में, तो रायकर वहां के जो शासक रहते हैं राय करणदेव उसको हराते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों, ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि ये जो है अलाउद्दीन का अभियान था, जब अलाउद्दीन शासक बनते हैं तब का है। ठीक है, लेकिन हम इसको भी थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आधा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी है ना, जिनका उपनाम है अलीगुर साहब, इसने क्या किया था, जलालुद्दीन खिलजी को जो है कड़ा मानिकपुर बुलाया। ठीक है, उसके बाद बुलाकर उनको धोखे से मार डाला। ठीक है, धोखे से उनकी हत्या कर दी, और 1296 में जो है स्वयं जो है सत्ता पर अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों छोटा सा वीडियो है ना जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। इसका अगर PDF चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।